नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से बच्चों की स्कूल और कॉलेज ओपन नहीं हो पाने के कारण आई होप कि उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली हम इसमें ज़्यादा कोई मदद भी नहीं कर सकते। इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी पहल की है बच्चों को फ्री ऑनलाइन क्लास देने के लिए। तो अगर मेरी पहल आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं और ज़्यादा इंस्पायर हो सकूं। देखिए, हम यहाँ पर 12th क्लास बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो 12th क्लास बायोलॉजी में सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो जो ऑर्गेनिज्म होता है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन हम फर्स्ट टॉप जो चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले उसे समझना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है और ये जो एबिलिटी होती है ये किस प्रकार की होती है, टू प्रोड्यूस्ड, क्या करने की एबिलिटी होती है, टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। नए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यहाँ पर ये जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं ये ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं, आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, मतलब ये पेरेंट्स के जैसे मिलते जुलते होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं ये पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। अब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सभी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, या फिर चाहे ये लोअर ऑर्गेनिज्म हो। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत मैंने उन सभी ऑर्गेनिज्म को रख दिया है जो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा आते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अगर हम साइज़ देखें इन ऑर्गेनिज्म से तो वो छोटे होते हैं और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी सिंपल होता है। कहने का मतलब प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें लोअर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में मैंने रखा है। क्लियर? तो यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और लोअर ऑर्गेनिज्म सभी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर रूट्स होती हैं, स्टीम होता है, इसके साथ साथ इसके अंदर रनर्स होते हैं, है ना, रनर्स होती है, लीव्स होती हैं, राइजोम होता है, फ्लोवर होता है। तो ये जो सभी पार्ट होते हैं इसमें रूट्स, स्टीम, रनर्स, ये सभी वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, किसके, प्लांट्स के। लेकिन जो फ्लोवर होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका, प्लांट का। तो रूट, स्टीम और रनर्स ये वेजिटेटिव पार्ट है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते, इसलिए इनको वेजिटेटिव पार्ट बोलेंगे। जबकि फ्लोवर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। एनिमल्स, अब कई तरह के एनिमल्स होते हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट्स, काऊ, बफेलो से लेकर हम सिलेंट्रेट्स वगैरह जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं इन सभी एनिमल्स के अंदर दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो मोड होते हैं इन दोनों, इनके अंदर रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कोनिडिया से या स्पोर फॉर्मेशन से, इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, एनिमल्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंतर्गत फीजन हो सकता है, बर्डिंग हो सकता है, प्लाज्मोटोमी हो सकता है, गैमुली फॉर्मेशन हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है, इन सब मोड से ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम रिप्रोडक्शन को समझ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर विच आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, ये हम इतना तो क्लियर कर चुके हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनका मोड थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वो डीपली हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी क्यों ज़रूरत होती है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट,
मीन्स इसके बेनिफिट्स क्या है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसके हम बेनिफिट्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन के क्या फायदे होते हैं। देखिए मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, इसलिए स्पीड अप में यहाँ पर थोड़ा सा आपको टीच कर रहा हूँ। तो जो बेनिफिट्स होते हैं हम अगर इसके देखें तो बेनिफिट में सबसे पहले पहला बेनिफिट जो रिप्रोडक्शन का है वो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शंस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। यदि मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो वो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब उसकी डेथ के बाद, उसके मरने के बाद जीवन का अंत हो जाएगा, इसलिए रिप्रोडक्शन आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें तो वो है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिज्म। जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म है, देखिए डेथ इज़ द अल्टीमेट फैक्ट ऑफ द लाइफ। डेथ अवश्य निश्चित आना है, सभी को आना है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य है। अब वो मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डेथ हो सकती है, एजिंग हो सकती है, या फिर कह सकते हैं एडवर्स कंडीशन हो सकती है, या फिर एडवर्स कंडीशन मतलब विपरीत परिस्थितियां कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन उसके सामने क्रिएट हो जाती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसके डिसीज कॉज डेथ भी हो सकती है। तो इन सब कारणों से ऑर्गेनिज्म की मृत्यु होती है और मृत्यु के कारण उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उन मरे हुए ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करने का काम रिप्रोडक्शन से होता है। अगला यहाँ पर मेंटेनेंस, यहाँ पर मेंटेन ऑफ लाइफ फ्रॉम द मेंटेन ऑफ लाइफ फ्रॉम एक्सिस्टेंस। देखिए एक्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विलुप्त, एग्जिट होने से बचाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है, सभी ऑर्गेनिज्म ना तो एकदम सिमिलर होते हैं, ना ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ होती है। मतलब अगर हम बात करें तो दो भाई एक एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती है। तो यहाँ पर जो डिसिमिलरिटीज़ होती है उनको वेरिएशन बोला जाता है। वेरिएशन मीन्स क्या होता है, डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अब चाहे वो कोई भी हो, मंकी या ह्यूमन बींग्स के अंदर डिसिमिलरिटीज़ को वेरिएशन कह सकते हैं, भाइयों के बीच डिसिमिलरिटीज़ को वेरिएशन बोलते हैं। अब यहाँ पर वेरिएशन आते कैसे हैं, जैसे कि एक मेल पेरेंट्स हैं, अब ये मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है, अब इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ भी होंगी और ये एग्जैक्ट सिमिलर भी नहीं होंगे, मतलब कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी होंगी। तो इसके मेल पेरेंट्स के कैरेक्टर फीमेल के पेरेंट्स से डिफरेंट रहेंगे। मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स दोनों ही गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। मेल पेरेंट्स मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, वहीं फीमेल पेरेंट्स फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। अब इन दोनों के अंदर मेल पेरेंट्स के कैरेक्टर मेल गैमेट के अंदर, फीमेल गैमेट के अंदर फीमेल पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं। तो ये जो दोनों गैमेट्स हैं, इन दोनों का फ्यूज़न होता है। क्या होता है, फ्यूज़न। और इस फ्यूज़न की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से जो जायगोट बनता है, इस जायगोट के अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर आ जाता है। कहने का मतलब ये ना तो एग्जैक्ट मेल से सिमिलर रहेगा, ना ही फीमेल से सिमिलर रहेगा एग्जैक्ट। इसके अंदर दोनों के, मेल के भी और फीमेल के भी कैरेक्टर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ मेल से और कुछ सिमिलरिटीज़ फीमेल से आ जाएंगी, मतलब इसके अंदर कुछ डिसिमिलरिटीज़ आ जाएंगी। ना तो ये एग्जैक्ट मेल से मैच होगा, मेल से मैच होगा, ना ही एग्जैक्ट फीमेल से मैच होगा। इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर आधे आधे रहेंगे, मतलब इसमें कुछ डिसिमिलरिटीज आ जाएंगी। इन्हीं डिसिमिलरिटीज को वेरिएशन बोला जाता है। अब कहने का मतलब एग्जैक्ट सिमिलर ऑर्गेनिज्म ना होकर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के कारण। अब ये जो वेरिएशन होते हैं, ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पर वेरिएशंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसफर होता है। किसकी मदद से, रिप्रोडक्शन की मदद से। तो रिप्रोडक्शंस के बारे में हमने बेसिक उसकी डेफिनेशन पढ़ी,
बेसिक नॉलेज उसका लिया, साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स देखें। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए रिप्रोडक्शन से जुड़े और भी टॉपिक्स और भी फैक्ट हम लेके आने वाले। धन्यवाद, थैंक यू।